जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज है। तो मैं आपको जो है बजट कैलकुलेट करना सिखा रहा था, ठीक है। अच्छा, एक तो है ये वाला वे, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जाओगे, जितनी प्राइस में आपने उसको सेल आउट करना होगा, वो प्राइस आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। शिप टू अमेजोन जितनी आपको प्राइस पड़ रही है, ये आपको आपका सप्लायर बताएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि आपने जो परचेज प्राइस है उसकी, अलीबाबा से जो आपको मिल रही है वो, और जो पैकेजिंग की जो प्राइस है वो, ठीक है। और जो लोगो वगैरह, जो एक्स्ट्रा आप चीजें जो है वहाँ पे पुट करते हो वो, ठीक है, वो आप सारी आपने जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना एग्जैक्ट जो है प्रॉफिट मार्जिन वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ना तो लोगो डिजाइन करवाता हूँ, ना ही जो पैकेजिंग है वो मैं करवाता हूँ, ठीक है। जब भी मैंने प्रोडक्ट सेल करनी हो, मैं अपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उससे पूछने के बाद फिर मैं बजट टोटल कैलकुलेट करता हूँ, फिर उसी हिसाब से मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट हंट किया हुआ है तो मैं उसकी क्या क्या चीजें रेडी रखता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने डॉग टॉवल जो है उसको लॉन्च किया, मैंने सबसे पहले उसको हंट किया, फिर मैंने उसका सप्लायर जो है वो मैंने फाइंड किया, ठीक है। सप्लायर फाइंड करने के बाद जो है मैंने उसका जो कंटेंट है लिस्ट का, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो रेडी की। रेडी करने के बाद मैंने अपने क्लाइंट को सेल किया, जहाँ पे मैंने 180 का उसको सेल करना था, वहाँ पे मैंने 300+ डॉलर्स में उसको सेल आउट किया। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे पास उसकी सारी A to Z डिटेल्स थी, एक नहीं मेरे पास 3 सप्लायर्स थे, और तीनों से मैंने जो है अलग अलग सैंपल मंगवा के चेक किया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे जो क्लाइंट है उसने मेरे से तकरीबन 10+ प्रोडक्ट्स लॉन्च करवाई, ठीक है। उनमें से 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद मेरी 8 जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूके मार्केट में सक्सेसफुली जो है वो मैंने लॉन्च कर दी, ठीक है। उनपे डेली के 10 to 15 जो ऑर्डर्स हैं वो मुझे मिलते हैं डेली के, ठीक है। जब Q4 आता है, यानी कि Q4 नवंबर दिसंबर में, तब उनके ऊपर जो है 20+ की सेल आती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमें जो प्रॉफिट होता है तकरीबन वो नवंबर और दिसंबर में वो 40 से 50 के डॉलर्स तक होता है, ठीक है, 40 से 50 के पाउंड्स में होता है, ठीक है, Q4 में। तो आप जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करो यूके मार्केट में या यूएसए मार्केट में, क्रिसमस से पहले पहले आप जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, और आप उसकी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री भी अपने पास मंगवा के रखो, ठीक है। ये आपके लिए एक टिप है, आप इसको राइट कर लें, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था जिसको फॉलो मैं करता हूँ वो है Helium 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अब ये मुझे कितनी बता रहा है प्रॉफिट मार्जिन, $13 का, अगर मैं इसको 32-33 का बेचता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है बंदा ये सेल कर रहा है इसको 35 का, 36 कर लें आप, अब इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको जो हो रहा है तकरीबन $15 हो रहा है, और इसको 43 का 43% जो है इसको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने कितने डॉलर्स कम किए, $2 मैंने कम किए, और मुझे कितनी बचत हो रही है यहाँ पे 13-13.5 डॉलर्स। और यहाँ पे अगर मैं इस कैलकुलेटर से देखूँ तो तकरीबन दोनों का सेम है। वो वाला जो कैलकुलेटर आपको 95% एक्यूरेट बताता है, ये आपको 90% एक्यूरेट बताता है, ठीक है। ये आपको A to Z सारी चीजें बता देता है कि वेट क्या है इसका, ठीक है, साइज कितना है इसका, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस वो ये है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी, फ्रीट कॉस्ट, ठीक है, चाइना से आपको यूएसए में शिप करने की वो ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद FBA कितना चार्ज करेगा आपको, 5.8, ठीक है। यहाँ पे FBA कितना चार्ज कर रहा है, ये टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है 7.40, ठीक है, ये मुझे अमेजोन चार्ज करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है, ब्लैक बॉक्स की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी आप खुद से हंटिंग करें, आप अपने टेक्निक्स जो हैं उनको अप्लाई करते रहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैसेज में शिप टू अमेजोन जो फीस है वो आपको आपका सप्लायर बताएगा, ठीक है। अब सप्लायर वाला जो है लेक्चर वो हमारा नेक्स्ट होगा, आपको सारी समझ आ जाएगी।
ए टू जी मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। शिफ्ट टू अमेजोन की फीस आपको यहाँ पे पता चल रही, वो आपको सप्लायर बताएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊं तो हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर अभी मैंने आपके सामने रन किया है, किस तरह से करना है आपने, जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है या जो आपका कंपेटिटर है उसकी आपने लिस्ट पे जाना है मेन, वहां पे जाके आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो फीस होगी शिफ्ट टू अमेजोन, ठीक है, वो ये होगी। यस बिल्कुल, शिफ्ट टू अमेजोन वेयर हाउस, बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप। मतलब कि आप सपोज करें कि मैंने चाइना में से जो है, बीजिंग में से, ठीक है, कोई अपना जो प्रोडक्ट है, ये कर्टन की एग्जांपल ले लो आप, कर्टन जो है मैंने वहां से मैन्युफैक्चर करवाए, ठीक है। मैन्युफैक्चर करवाने के बाद मैं यूएसए में न्यूयॉर्क में इसको शिप करवाना चाह रहा हूँ अमेजोन वेयर हाउस में, तो मैं जो है अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करूंगा। अमेजोन मुझे सजेस्ट करेगा कि भाई मेरा जो ये वाला वेयर हाउस है फलां सिटी में, ठीक है, फलां का एड्रेस है, वो मुझे अमेजोन दे देगा, वो मैं अपने सप्लायर को दे दूंगा, सप्लायर मेरा जो है अमेजोन से अपॉइंटमेंट लेगा, ठीक है, जिस डेट को शिप करना होगा ये सप्लायर का जो है, सप्लायर ही सेंड करेगा इसका, ठीक है। आप जो है जस्ट सप्लायर को पैसे दोगे और आपने अमेजोन को पैसे देने हैं, बात सारी पैसों की है, सारा काम आपका ऑनलाइन ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अमेजोन वेयर हाउस में ही शिप होगा, ठीक है। अच्छा, शिप टू अमेजोन की जो फीस है वो मैं आपको बताता हूँ एस्टिमेटेड कितनी होगी। अगर आप बाय एयर मंगवाते हो तो आपको यहाँ से पता लग जाती है पर यूनिट, ठीक है। ये देखो 1.65 पर यूनिट मुझे कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको बाय शिप मंगवाना चाह रहे हो तो आप इसका 60% निकाल लो, ठीक है। अगर मैं आपको आइडियली बताऊं तो बाय शिप मुझे 1 यूनिट की जो कॉस्ट पड़ेगी 0.80 या 0.85 के करीब करीब पर यूनिट मुझे कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि इसका जो वेट आ रहा है वो है 4 LBS, मतलब के 2 kg के करीब करीब है, 2 kg या इतना ही है इसका, ठीक है। 4 पाउंड अगर इसका वेट है तो मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ। बाय ये देखें 2 kg के करीब करीब है, तो 1 kg का जो आपको बाय शिप चार्ज होता है वो तकरीबन सप्लायर आपको 1.5 या 1.6 डॉलर आपको चार्ज करते हैं बाय शिप, ठीक है, अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं पर यूनिट आपको तकरीबन इतना ही पड़ जाता है, ठीक है, बाय शिप। अगर आप उससे अच्छे प्राइस ले लेते हो तो 0.80 पे भी आ सकते हो, 0.90 पे भी आ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी उससे बार्गेनिंग करते हो, कितना आप उससे अच्छा रेट लेते हो, ठीक है। डील करना ये सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो है बुक में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी कैटेगरीज के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जंगल स्काउट का मैंने आपको बता दिया कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। आपने जंगल स्काउट में क्या क्या नोट करना है, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज, रिव्यू रेटिंग, ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंसी आपने चेक करनी है, ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हीलियम 10 है, इसमें आपने सर्च वॉल्यूम देखना है, सीपीआर गिवअवेज देखने हैं, ठीक है। ये मैं जो प्रीवियस लेक्चर है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कंपेटिटर कैसे देखने हैं, सेरिब्रो में जाके, ठीक है। अच्छा, आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं, अच्छा मैं आपको राइट कीवर्ड निकालना चाहे वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने जो है कर्टन्स, शॉवर कर्टन्स वो मैंने निकाले थे, ठीक है। ये मैं यहाँ से इसका जो एसएन नंबर है वो कॉपी कर लेता हूँ, ये बेडशीट है दरअसल ना, ये शॉवर कर्टन नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेरिब्रो में आने के बाद, अच्छा ये मेरे ख्याल में कर्टन्स का ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ डायरेक्ट। आपको आपका जो राइट कीवर्ड है वो सेरिब्रो में इजीली मिल जाता है, ठीक है, जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा। आप टाइटल को 4 से 5 बार रीड करें और आप यहाँ पे आके रिसर्च करें, तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट में रिसर्च करने के बाद आपको आपका राइट कीवर्ड पता लग जाएगा, ठीक है।
अच्छा, आपका जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो अभी हम मीटिंग के एंड में लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये कर्टन्स आ गए मेरे सामने, ठीक है? और यहाँ पे ये देखें, शॉवर कर्टन, बाथरूम सेट, ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉवर कर्टन, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये पहले नंबर पे ही शॉवर कर्टन आ गया, ठीक है, मतलब कि दिस इज द राइट कीवर्ड, ठीक है। ये सर्च वॉल्यूम के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये हाई टू लो की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। अगर आपको सर्च वॉल्यूम आपकी मनपसंद का चाहिए, मतलब कि यूएसए मार्केट के लिए 5,000 से अबव होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मिनिमम लिखूंगा 4,000, सॉरी मिनिमम मैं यहाँ पे लिखूंगा 5,000 और मैक्सिमम लिखूंगा 7,000, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मुझे जो कीवर्ड है मेरे जो है क्राइटेरिया के मुताबिक वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मेरे जो सर्च वॉल्यूम जो मुझे चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। ये आप सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक लिमिट जो आपने लगाई है उससे एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो है वापिस यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये कीवर्ड वाला भी हमने डिस्कस कर लिया, सर्च वॉल्यूम कैसे निकालना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, आपको कैसे सर्च वॉल्यूम मिलेगा, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और आपको आपका सर्च वॉल्यूम नजर आने लगेगा ऐसे, ठीक है। और आपका जो सर्च वॉल्यूम ग्राफ है वो सेम ऐसे होना चाहिए, अब ये कंटिन्यूस वे में जो है वर्क कर रहा है, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये डाउन हो जाता है तो कोई बात नहीं, फौरन इसको अप होना चाहिए, ऐसे अप होता होता अप होता जाए, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा अप हुआ फिर डाउन होके ऐसे है, फिर ऐसे अप हो गया, फिर ऐसे डाउन हो गया, तो वो कीवर्ड जो है वो सर्च वॉल्यूम जो है वो एक अच्छा सर्च वॉल्यूम ग्राफ नहीं है, ठीक है। और आपने क्या है ऑल द टाइम जो है सर्च वॉल्यूम ग्राफ देखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का सर्च वॉल्यूम ग्राफ आपको होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि बढ़ता बढ़ता ये 6,000 से अप कर गया, ठीक है। ये अच्छा, उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये नोट्स मैंने आप सबको दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो है वो आपको एनालाइज करना है, ठीक है। अच्छा, आरओआई आपको कैसे निकालनी है, आरओआई का फार्मूला भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट पता करनी है आरओआई तो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन करें, यहाँ पे आपको ये जो है ना ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ये सारा आप रीड कर लेना, ये वायरल लॉन्च ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कल वाले लेक्चर में। अच्छा, कैटेगरीज जिनसे आपको बचना है वो ये वाली है, सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, गेटेड प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, गेटेड मतलब कि जो बेबीज प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की टॉयज आ जाते हैं, वाइन है, ड्रग्स है, कॉस्मेटिक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं गेटेड होती हैं, इसकी आपको अमेजोन से अलग परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही एडवांस लेवल का मैंने जो है क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी आप फॉलो करके अपना प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है। यूके, यूएसए, उसके बाद इटली, फ्रांस, कनाडा, हर मार्केट के लिए मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, ठीक है। गुड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, स्मॉल, लाइट एंड इजी टू शिप, ठीक है। स्मॉल मतलब कि जिनका जो वेट है वो 2.5 kg से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इजी टू शिप, ठीक है, जो इजीली शिप हो सके, जो कि यानी कि ब्रेकेज मटेरियल में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ब्रेकेबल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए आपका, जैसे कि शीशे का प्रोडक्ट होता है, शीशे के ग्लास हैं, वाइन ग्लास है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यू कैन हैव अ हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाई जिसके आपको 40% प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था, मोर देन 25 प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, 25% आपको ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 25% से लेस है, उसके ऊपर आपको काम नहीं करना, ठीक है। जिसका PSR लो है वो वाली प्रोडक्ट अच्छी है, जिसका हाई है मोर देन 20K है वो कभी भी उसकी सेल की गारंटी नहीं दे सकता मैं आपको, ठीक है। जिसका PSR डे बाय डे कम हो रहा है, ठीक है, एक शर्त पे आप गारंटी दे सकते हो, अगर आपका PSR है 50,000, आप एक वीक के बाद एनालिसिस करते हो वो हो जाता है 40,000,
फिर आप 5 दिन बाद फिर आप उसके ऊपर एनालिसिस करते हो, उसका बीएसआर हो जाता है 30,000, तो वो प्रोडक्ट वायबल है, आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम जो है मैंने टॉक टवल की मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं एक प्रोडक्ट जो है अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ ताकि आप उसके ऊपर वर्किंग कर सको, ठीक है। स्टार्ट में जो है Q4 के बाद, ठीक है, यूके मार्केट में बीएसआर इसका इंक्रीज करने लग जाता है, बहुत कम लोग इसको बाय करते हैं। जैसे ही Q3 स्टार्ट होता है इसका बीएसआर डाउन होना शुरू हो जाता है, तब आप इसके स्टैट चेक करना, आपको ये विनिंग प्रोडक्ट लगेगी, ठीक है। तो आप इसके 500 या 1,000 पीसीज भी मंगवाएं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैंने जो इसके ऊपर वर्किंग की बीएसआर को टेस्ट करने के लिए, वो अब बीएसआर का एग्जैक्ट कब डाउन हो कब आपको किसी को भी पता नहीं चलता, आपका जो प्रोडक्ट है इसी वजह से रिजेक्ट किया जाता है एक्सट्रीम कॉमर्स में और इनेबलर्स में, ठीक है, कि आपका जो बीएसआर है ये एक्सीड ना करे। डे बाय डे अगर ये एक्सीड कर रहा है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए वायबल नहीं है, अगर ये डाउन हो रहा है तो वो गुड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अवॉइड, ये वाली जो प्रोडक्ट है इनसे आपने अवॉइड होना है, अवॉइड करना है। पेटेंट मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब जैसे कि एक ब्रांड है जोगो, जैसे कि एक ब्रांड है एडिडास, एक है हरियाली ब्रांड सीजर्स के लिए, ठीक है, ये जो स्केसर्स हम यूज करते हैं उसके लिए, ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। आपने इनका कोई भी प्रोडक्ट कॉपी नहीं करना, किसी भी प्रोडक्ट को आपने जो है हिट नहीं करना, ना ही आपने कम्पीट करना है उसको, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे कि अमेजोन, तो उसका ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका पेटेंट भी रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं जिसका पेटेंट का कोई इश्यू ना हो, ठीक है। पेटेंट मतलब कि अगर मैं माउस सेल कर रहा हूँ तो उसका आपने पेटेंट चेक कर लेना है गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। पेटेंट ऐसे कोई गूगल ये वेबसाइट है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां पे जाके ये अपना जो प्रोडक्ट है उसका आप नाम लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्राइंग पान, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका पेटेंट मुझे शो होता है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट को जो है टारगेट नहीं करूंगा, ठीक है। आपने जो है ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करना है जिसका आप पेटेंट जो है, यानी कि उसमें कुछ चेंजिंग कर सको, चेंजिंग करने के बाद आप अपना जो ब्रांड है उसको लॉन्च कर सको, ठीक है। अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करने के बाद आप उसमें आप पेटेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करो और उसको आप लॉन्च कर दो, ठीक है। ये होता है एग्जैक्ट वे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो पेटेंट का इश्यू तब आता है जब आप बड़े से बड़े ब्रांड को टारगेट करते हो, ठीक है। 100 में से 3 to 4% चांसेस होते हैं कोई बंदा आपको पेटेंट की वजह से आपको जो है यानी कि अमेजोन को जो है वो लेटर लिख दे कि ये मेरा जो पेटेंट है उसको कॉपी करके सेल आउट कर रहा है, ठीक है। जब आप छोटे ब्रांड्स को टारगेट करते हो तो आपको इतना पेटेंट का इशू नहीं आता, ठीक है। अच्छा, पेटेंट का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। आपने छोटी प्राइस वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए क्राइटेरिया में बताया गया कि आप 15 से 40 डॉलर्स तक की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कॉपी करें, ठीक है। उनके ऊपर पेटेंट का इतना इशू नहीं होता, अगर पेटेंट का इशू आ जाता है तो आपका अकाउंट भी फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक दो वेबसाइट है, एक है USPTO वेबसाइट, उसके ऊपर भी आपको पता लग सकता है कि आपका जो ब्रांड है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ट्रेडमार्क जो है पेटेंट्स है इसकी यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यूज करना सिखा दूंगा, ये पेटेंट्स पे आप आओगे यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई फॉर अ पेटेंट, ठीक है, यहाँ से मैं आपको ये यूज करना नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो गुड प्रोडक्ट्स हैं और बैड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गेटेड कौन सी होती हैं वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, ठीक है। फूड, ब्यूटी, मेडिकल आइटम्स, ठीक है, ऑटोमेटिव, पावर, स्पोर्ट्स में आप देखें कि काफी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब के ट्राउजर्स, ठीक है, और जो शॉर्ट्स होते हैं काफी सारे लोग उनको सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन काफी जो है उनका गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब के जिसमें साइज ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है। अगर टी शर्ट आप सेल करते हो तो उसमें भी साइज का इशू आ जाता है, जिस वजह से वो प्रोडक्ट जो है गेटेड होती है, ठीक है, मतलब कि एक्सेल है, स्मॉल है, मीडियम है, ठीक है। तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ज्यादा वेरिएशन आती है तो इसको बड़े बड़े ब्रांड जो है सेल आउट करते हैं, ठीक है।
ये सारी मैंने यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई है जो कि गेटेड में आती हैं। अनगेटेड में कौन सी आती हैं? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आप जाओ, ये सारी अच्छी कैटेगरीज हैं। होम एंड किचन, किचन डाइनिंग इंडस्ट्रियल, ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट, स्पेशल लॉन, ठीक है, इसमें आप वर्किंग करो, इसमें आपको पेटेंट का भी ज्यादा इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, और गेटेड प्रोडक्ट्स भी इसमें नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक अच्छी एग्जाम्पल जो है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि आपको ऐसे स्टैट वाली प्रोडक्ट चाहिए जिसके ऊपर रिव्यूज इतने हों और सेल उसकी हाई से हाई होती जाए, ठीक है। ये कोई 7,000 प्रोडक्ट्स इसके एक महीने की सेल हो रही हैं, ठीक है, और रिव्यूज इसके बहुत कम हैं, ठीक है। और अगर मैं हर एक सेलर के रिव्यूज देखूं तो किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, ठीक है। जिसको जो है अपनी प्रोडक्ट, हर बंदे ने कोविड के ड्यूरिंग ये प्रोडक्ट लॉन्च की और अच्छा खासा पैसा कमाया, ठीक है। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट में भी ना मिले, लेकिन आप कोशिश करें कि इससे, ये तो 100% है, कोई 50% इससे मैच करती वही प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो वो आपकी इजली सेल आउट भी हो जाएगी, ठीक है। ये की पॉइंट्स भी आपने रीड आउट कर लेने हैं। उसके बाद ये पेटेंट का मैंने ये बताया हुआ है, इसको भी आप रीड कर लेना, ठीक है। कल हम जो है परसों हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से रीड करेंगे, ठीक है। तो अभी आप हजरात का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है आपको ये मिल जाएगी आफ्टर 1 आवर।